thank mm -hmm. you कनुप्रिया काव्य कनु की अनुपस्थिति में भी उनकी लीलाओं का याद हमें दिलाते हुए कृष्ण का सानिध्य हमेशा महसूस करवाती है पूर्वरा के पाँचवें गीत तक आते आते राधा का हाल कुछ यूँ होता है यह जो मैं गृह काज से अलसाकर अक्सर इधर चली आती हूँ और कदम्ब की छां में शिथिल अस्त व्यस्त पड़ी रहती हूँ यह जो मैं ग्रह काज से अलसा कर अक्सर इधर चली आती हूँ और कदम्ब की छाँह में शिथिल अस्त व्यस्त अनमनी सी पड़ी रहती हूँ राधा अपने गृह काज अर्थात जो गार्हिक दायित्व है उनसे अलसा कर कहाँ चली आती है उसी पावन कदम्ब वृक्ष के नीचे और वहीं अनमनी सी पड़ी रहती है यहाँ देखिए अट्टर डिस्पायर दिखाया गया है रेस्टलेसनेस रेस्टलेसनेस में पड़ी राधा को हम पाते हैं अपने प्रिय से मिलन की जो तीव्र इच्छा है उसमें रेस्टलेस होती हुई राधा को हम पाते हैं वह अलसाकर उसी कदम की छाह में अस्त व्यस्त पड़ी रहती है कृष्ण के साथ खेले गए रासलीला लीला की यादें उसे निरंतर सताती है उसे पछतावा होता है हर क्षण वह अपने को कोसती है यह पछतावा अब मुझे हर क्षण सालता रहता है कि मैं कि मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई जो चरण तुम्हारे वेणुवादन की लय पर तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे वे फिर वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाए मैं उस दिन लौटी क्यों राधा स्वयं को कोसती हुई नैराश्य में उस रास की रात के मोहक दृश्यों को स्मरण कर हताश अनमनी सी उसी कदम्ब के वृक्ष के नीचे अस्त व्यस्त शिथिल सी पड़ी रहती है पछताती है कि उस रास की रात वो कृष्ण से अलग क्यों हुई क्यों वो घर लौट गई वो लौटी और कृष्ण युद्ध लीला की ओर प्रस्थान कर गए कर्म धर्म की स्थापना करने उसे लगता है वो अगर उधर ठहर जाती तो शायद युद्ध होता ही नहीं वो कहती है मैं उस दिन लौटी क्यों कण कण अपने को तुम्हें देकर रीत क्यों नहीं गई यहाँ रास लीला का तनिक उल्लेख करना ज़रूरी है रास आपको पता ही है कृष्ण का ब्रज की गोपियों के साथ घेरे में गोल गोल किया जाने वाला नृत्य जैसे यहाँ आप देख रहे हैं इसे द डांस ऑफ लव भी कहा जाता है जब कभी कॉलेज कैंपस में किसी एक लड़के को लड़कियों के झुंड द्वारा घेरे जाते देखकर मस्ती में बातें करते देखकर हम अक्सर कहते हैं देखो कृष्ण अपनी रास लीला रच रहे हैं अक्सर हम इसे इसी स्थूल अर्थ में लेते हैं लेकिन स्पिरिचुअल अर्थ में रास को इस पूरे विश्व में चल रही रास लीला का एक मिनिएचर फॉर्म में देखा जाता है जहाँ प्रकृति और पुरुष का नृत्य होता है राधारूपी प्रकृति से कृष्ण रूपी पुरुष को एक शक्ति मिलती है जो अंततः पुरुष को कर्म और धर्म के पुनस्थापन में सहायक शक्ति सिद्ध होती है अर्थात कृष्ण कृष्ण की तरह नहीं नाचते पुरुष तत्व की तरह नाचते हैं रास में प्रकृति और पुरुष का नृत्य है रास इस जगत में इसके निर्माण में इसके सृजन में जो मूल आधार है वह विरोधी शक्तियों के मिलन का है कवि धर्मवीर भारती यही संदेश इस काव्य के द्वारा देना चाहते हैं कि जीवन दो विरोधी तत्वों के बीच का खेल है ये विरोधी जब लड़ते हैं तो युद्ध हो जाता है ये जब मिलते हैं तो प्रणय हो जाता है प्रेम हो जाता है और नारी मन प्रणय को अहमियत देती है राधा का मन भी तन्मय क्षणों को भावुकता के क्षणों को ही समझ पाती है नहीं समझ पाती राधा धर्म अधर्म की बड़ी बड़ी बातों को राधा की तरह गोपियाँ भी यही तो चाहती थी पुराणों के अनुसार कृष्ण से उन्होंने अपनी इसी आशा को व्यक्त किया हुआ यूं कि एक बार गोपियों ने भगवान कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की भगवान ने उनकी इस कामना को पूरी करने का वचन दिया अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने रास का आयोजन किया और इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया सभी गोपियाँ सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुँच गई और भगवान ने रास आरंभ किया यहाँ भगवान ने अद्भुत लीला दिखलाई जितनी गोपियाँ थीं उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य एवं प्रेमानंद शुरू हुआ माना जाता है कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं से रास रचते हैं इसीलिए प्रेम निवेदन के लिए शरद पूर्णिमा का दिन उत्तम माना गया है शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होता है और इसलिए चंद्रमा का सौंदर्य पूरे वर्ष में इस रात सबसे अधिक निखर कर आता है और वैसे भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है तो इस प्रकार रास का महत्व इस संसार के निर्माण में काफ़ी अहम है क्योंकि जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है तो वहाँ प्रणय जगता है और कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि संसार में युद्ध नहीं प्रणय की ज़रूरत है तो रासलीला के रात में सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया तभी तो राधा कहती है तुमने तो उस रास की रात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया रासलीला में कृष्ण ऐसी माया रचते हैं कि हर एक को लगता है कि कृष्ण उनके साथ है और उन्हें पूर्णता का एहसास होता है वहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन पूर्ण होता है पर हाय वही पूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है तुम्हारे लिए अब राधा पूर्णता और चाहती है वो पश्चाताप करती है कि उस रास की रात में वो चली क्यों गई वही पूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है वो उस पूर्णता की चाह रखती है वो पश्चाताप करती है कि मैं क्यों उस रास की रात वहाँ से चली गई कैसे हो जी तुम जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के गहरे आलाप से मदोन्मत मुझे खींच बुलाते हो तुम भी कैसे हो काना जब मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहती तो तुम्हारा बांसुरी मदोन्मत आलाप से मुझे तुम्हारी ओर गहरे खींच लेता है और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो और जब एक बार जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मदोन्मत होकर तुम्हारे साथ होती हूँ तब मैं वापस नहीं आना चाहती लेकिन तुम मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर मानो लौटा देते हो ये कृष्ण का ये जो अवतार है एक पर्पस लेकर आया था मतलब कि यहाँ धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण आए थे न कि राधा के साथ रास लीला का अनंत लीला रचने नहीं आए थे उनको तो जाना था धर्म अधर्म कर्तव्य उसका पालन करने के लिए जाना था महाभारत युद्ध का जो अंतिम लक्ष्य था तो यहाँ पुरुष चला जाता है और राधा अंशतः ग्रहण कर चले जाने पर पश्चाताप करती है राधा अर्थात नारी संपूर्ण संपूर्णता चाहती है पूरे तौर से कृष्ण को चाहती है अपने पास हमेशा रखना चाहती है उस संपूर्णता का अनुभव करना चाहती है वो पूछती है कैसे हो जी तुम जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के गहरे आलाप से मदोन्मत मुझे खींच बुलाते हो और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो इस इस प्रकार पूर्वराग यहाँ समाप्ति को हो रहा है पांचों गीतों का आस्वादन हमने किया हर एक गीत अलग अलग मिथकीय कथा कहकर चली गई प्रथम गीत में आपने देखा छायादार पावन वृक्ष में अपने आप को रोम रोम में उसमें उसमें विलीन हो जाने वाली राधा को हमने देखा पावन अशोक वृक्ष जो नारी के स्पर्श से ही पुष्पित होता है उसमें राधा अपने आप को समाती हुई देखती है और दूसरे गीत में हम देखते हैं कि उसके जिस्म के सितार को स्वयं कृष्ण उसके जिस्म के अंदर प्रवेश कर स्वर्णिम संगीत का आलाप करते हुए राधा को महसूस होता है और तीसरे गीत में हम देखते हैं कदम्ब के नीचे अलसाई वेला में ध्यान मग्न खड़े हुए कान्हा को कोई अज्ञात वन देवता समझ वो कई बार प्रणाम करती है लेकिन काना एकदम निर्लिप्त राग निश्चल अडिग खड़े रहते हैं और इस न स्वीकारने से उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है इस प्रणाम का उत्तर न देने का राधा पर और गहरा असर पड़ता है और चौथे गीत तक आते आते हम राधा को एक पागलपन की हद तक पहुंचते हुए पाते हैं जहां वो दोपहर के सन्नाटे में निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख घंटों यमुना के जल में अपने वेतस्लता सा कांपता हुआ शरीर को देखती है और महसूस करती है कि यह पावन यमुना का जल नहीं है बल्कि कान्हा का श्यामल प्रगाढ़ आलिंगन है जो उसे पोर पोर कसे हुए है और पांचवे गीत तक आते आते हम पाते हैं कि ग्रह काज से अलसाकर वह रास की लीला रास की रात याद करते हुए उसी कदम की छाह में शिथिल अलसाई सी अस्त व्यस्त सी पड़ी रहती है इस पश्चाताप में उसका मन और दुखी हो जाता है कि वो अमशतः कान्हा को ग्रहण कर पाई संपूर्णता से उसे अपना नहीं पाई और वो अपने आप को कोसती है कि क्यों वो रास की रात को वापस चली आई वरना काना उसे छोड़कर जाते ही नहीं इस प्रकार हमने पांचों गीतों का आस्वादन किया और जब पूर्वराग में ही जहाँ श्रृंगार रस का आविर्भाव उस समय होता है जब प्रिय प्रेमिका का पूर्ण रूप से मिलन न हुआ हो तब उसमें ही राधा इतनी भावुक और तन्मय हो जाती है तब आप अंदाजा लगा सकते हैं मंजरी पर और सृष्टि संकल्प में जब उन दोनों का मिलन हो जाता है तब क्या होता होगा तो मंजरी परिणय में तुम मेरे कौन हो का प्रतिपादन हमने कर लिया है और हम समझ गए हैं कि भावुक तौर पर राधा और कृष्ण का संबंध क्या है वो राधा और कृष्ण के संबंध को अपने शब्द जाल में बांधने की कोशिश करती है लेकिन अंततः असमर्थ हो जाती है और सृष्टि संकल्प में हम पाएंगे कि वो राधा एक सृजन संगिनी बनकर एक नारी और पुरुष की काम लीला का वर्णन उसमें किया गया है और वो अगर आप खुद समझ लें और उन आ, उस काव्य को अगर आप खुद पढ़कर समझ लें तो बेहतर होगा क्योंकि मैं इसके बाद ठीक इतिहास की ओर जाऊंगी जहां राधा कई अहम सवाल कृष्ण से पूछती है जो अभी तक राधा ने किसी काव्य में पूछा नहीं है और यही राधा धर्मीर भारती जी की विशेषता है तो मैं अगले वीडियो में इतिहास पक्ष की ओर जाऊंगी जहां राधा कई ऐसे सवाल पूछती है जिसे सूर की राधा ने नहीं पूछा था जिसे उस राधा ने नहीं पूछा था जिससे हम काफ़ी परिचित हैं और यही धर्मीर भारती की विशेषता है यही कनुप्रिया को अलग ठहराती है तो आप समझ गए मंजरी परिणय और सृष्टि संकल्प में जो भी काव्य है आप खुद उसका आस्वादन कीजिए हम इतिहास की ओर जाएंगे